आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी से एक हिंदी में कविता सुनाना चाहता हूं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास, पावक में कनक सदृश तपकर, विरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से कभी उफ न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, पर खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मन में, कम खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, ऐछे पे मानवों के भीतर, मेहंदी ने जैसे आता जब इक्षु दंड, झड़ती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अद्वित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रन एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के साधन प्रचंड, मन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाम मिलते हैं, ककड़ियां इनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, वो ही सुरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज बहकारी है, क्या कर सकती चिंगारी। नमस्कार, धन्यवाद।